Assalamualaikum viewers, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे. वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद शेज कैनेडा. कैसे हैं आप लोग? तो आज जब मैं सुबह उठी तो काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी अक्टूबर में, और अक्टूबर से नवंबर तक एक दो राउंड्स ऑफ स्नो तो पड़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा नवंबर का एंड होने वाला हो गया. तो नवंबर 28 है आज, और देखें ये आज स्नो पड़ी है टोरंटो में. इससे जो और इलाके हैं टोरंटो के और प्रोविंसेस, वहाँ पर स्नो पड़ गई थी, लेकिन ओंटारियो की ये पहली स्नो थी आज. अच्छी खासी स्नो थी, मैं कहूँगी तो 3-4 सेंटीमीटर तो कह सकती हूँ कि इतनी थिक स्नो थी. तो मैंने कहा आपके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ. उसके अलावा जो आज का व्लॉग होगा, मेरे वालिद साहब को मैंने लेके जाना था हॉस्पिटल. उनकी एवरी 6 मंथ्स अपॉइंटमेंट होती है, पेसमेकर का चेकअप होता है. ये मेरे वालिद साहब हैं, जिनको नहीं पता पेसमेकर क्या होता है. पेसमेकर एक बैटरी होती है जो कि आपके हार्ट के साथ डाल दी जाती है ताकि वो आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट कर सके. तो माशाल्लाह ही इज़ 93 ईयर्स ओल्ड. तो ये इनका ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल जो ओंटारियो में है, ब्रैम्पटन सिटी है, वहाँ पर इनका होता है एवरी 6 मंथ्स चेकअप होता है. तो ये जी है हॉस्पिटल का बाहर का व्यू. तो मैं इनको लेके गई, दोपहर का टाइम था लेकिन बारिश हो रही थी. ये आज से पहले का व्लॉग है क्योंकि आज तो स्नो पड़ी थी, लेकिन ये उससे पहले की रिकॉर्डिंग है. तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, यहाँ पे आप भी देख सकें थोड़े से क्लिप्स के, यहाँ के हॉस्पिटल्स का कैसे होते हैं. ब्रैम्पटन हॉस्पिटल जो ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल है, ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. इसीलिए मेरे वालिद साहब का जो पेसमेकर क्लिनिक है वो भी यहाँ पर है. हालांकि मेरे घर के पास जो हॉस्पिटल है वो बहुत क्लीन है, बहुत नाइस है, बहुत एडवांस है, लेकिन वहाँ पर इनका ये फैसिलिटी नहीं है. वहाँ ये क्लिनिक नहीं है अंदर जो कि इक्विप्ड होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए, तो वहाँ नहीं है. मैं अभी नहीं गई ऊपर क्योंकि नर्स आके उनको ले गई थी, और वो मेरे वालिद साहब ऊपर चले गए थे. मैंने कॉफ़ी पकड़ी यहाँ से एक कप. मैंने कहा जब तक मुझे नर्स ऊपर कॉल करेगी तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि वो उनको ऊपर ले गई थे. लाइन अप होता है तो इसलिए वो ज़्यादा विजिटर को आजकल जैसी सिचुएशन है तो वो नहीं लेके जाते. तो अब उन्होंने मुझे कॉल की कि आप ऊपर आ जाएं. ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है ऑफ दिस हॉस्पिटल, तो ये पेसमेकर का एरिया है. तो यहाँ पर उनका चेकअप हो रहा था. तो नर्स जो थी वो इंडियन थी. यहाँ पर इस हॉस्पिटल में बहुत से हमारे इंडियन बहन भाई होते हैं, हमारे सिख और इंडिया के जो बहन भाई हैं वो यहाँ पर, उनकी काफ़ी, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई और, मतलब कि इनकी काफ़ी यहाँ पर है ड्यूटीज़ लगी. नो ही डजंट नो. तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपको ECG होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस तरह वो लगा देते हैं सारा. फिर वो आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी बैटरी की लाइफ को देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, हार्ट बीट ठीक है, इट्सेल्फ पेसमेकर ठीक है, तो वो सारा उसको चेक करते हैं और फिर आपको अगले 6 मंथ्स की डेट दे देते हैं. तो माशाल्लाह ही वाज डन. नाउ वी वर गोइंग होम. ही माशाल्लाह बिल्कुल छड़ी वगैरह, केन वगैरह नहीं लेते हैं. ही वॉक्स रियली गुड. इन्होंने World War II में भी काम किया था. 14 ईयर्स ओल्ड थे, लेकिन 17 ईयर्स करके इनको हायर कर लिया गया था. तो अब हम घर आ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी ड्राइविंग के भी क्लिप्स ले लूँ. गैस डलवानी थी, तो गैस यहाँ पर पेट्रोल को कहते हैं. मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि प्राइसेस यहाँ पर बहुत हाई हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं. इसलिए मैं अपनी मियाँ की छोटी गाड़ी चलाती हूँ, करोला, अपना ट्रक नहीं निकालती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैस पड़ती है. तो ये मैं सारे ड्राइविंग के क्लिप्स ले रही थी. ये जी एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं, और साथ ही मैं आपको प्लेन्स दिखाऊंगी लैंड करते हुए. तो ये बड़े अच्छे, मेरा दिल किया मैं रिकॉर्ड कर लूँ. तो ये आप देखें, ये प्लेन जो है ये लैंड होने वाले हैं. एवरी 1 मिनट ये जहाज़ आ रहे थे, तो साथ साथ क्योंकि बहुत स्लो ट्रैफिक थी तो मैंने ये ले लिया. ये तंदूरी चिकन है. इसकी रेसिपी ये है कि तंदूरी मसाला है, लहसुन अदरक का पाउडर है, लहसुन अदरक है, थोड़ा सा सिरका है, लेमन है, और इसको मैरिनेट करके मैं रख गई थी और ओवन में टाइम सेट कर गई थी. 4-5 घंटे मैं मैरिनेशन में लग गया, और फिर जब 480 डिग्री पे ये खुद ही ऑन हो गया, 45 मिनट के लिए इसके ऊपर बटर भी डाला था तो ये रेडी हो गया. साथ मैंने इसके ग्रेवी बना ली, मैक्रोनी बना ली. तो इट वॉज़ वंडरफुल डिनर. होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू.